9 वर्ष एक बहुत छोटी आयु होती है। अगर आपसे कोई कहे कि 9 वर्ष की एक लड़की पर्यावरण बचाने निकली है, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा? यही कि वो कितनी समझदार है, कितनी परिपक्व है जो इतनी छोटी सी उम्र में वो सोच रही है जो शायद हर व्यस्त को सोचना व करना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसे शाबाशी देंगे, प्रेरित करेंगे और कुछ हद तक इतने छोटे बच्चे की मासूमियत को आपकी सहानुभूति भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपकी यही सहानुभूति और उस बच्चे की यही मासूमियत आपके और आपके देश के विरुद्ध प्रयोग की जा रही है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कनरजीत के बारे में, जो लिजी प्रिया के पिता हैं और जिन्होंने अपनी 9 वर्षीय बेटी को क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनाने की आड़ में अपने बहुत से जुर्मों को छुपाया है और अब कैसे उनके ये सारे जुर्म एक एक करके सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट और भारत की ग्रेटा नाम से लोकप्रिय लिसी प्रिया के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, वह भी लोगों से ठगी और स्कैम के मामले में। लिसी प्रिया अभी मात्र 9 वर्ष की है, लेकिन अगर उसके सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे जाए तो ये स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही होते हैं। लिसी प्रिया की अधिकतर सोशल मीडिया पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ होती है। उन पोस्ट को भारत के लेफ्ट ब्रिगेड द्वारा समर्थन मिलता है, जिससे अब वो एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। देखा जाए तो जिस तरह से ग्रेटा वैश्विक लिबरल फ्रंट द्वारा रचित एक स्कैम है, उसी तरह लिसी प्रिया भी उनके पिता द्वारा बनाई गई और भारतीय लेफ्ट केबल द्वारा समर्थित एक स्कैम है। आइए समझते हैं कैसे लिसी प्रिया उनके पिता द्वारा निर्मित एक स्कैम साबित हुई है। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में लिसी प्रिया के पिता के को भारत की राजधानी नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि वे 9 वर्षीय लिसी प्रिया के पिता है। लिसी प्रिया के पिता के सर पर 1,00,000 रुपए का इनाम था और मणिपुर की पुलिस उनकी खोज में थी। इंटरनेशनल यूथ कमेटी के नाम पर सिंह ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से धन की मांग करके उनके साथ धोखाधड़ी की। वाइस की रिपोर्ट के अनुसार अपनी 9 वर्षीय बेटी को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट एक्टिविज्म अभियान के चेहरे के रूप में पेश करके कनरजीत ने एक्टिविज्म की आड़ में 12 देशों के लगभग 100 बच्चों को धोखा दिया। केवल छात्रों से ली गई फीस से धोखाधड़ी की राशि लगभग $44,685 होने का अनुमान है। उनके लिए धोखाधड़ी अभी नहीं हुई है, बल्कि इसकी कहानी वर्ष 2015 में ही शुरू हो गई थी और इसमें 12 देशों के लगभग 100 बच्चों की शिकायतें शामिल हैं। बता दें कि कनरजी को मणिपुर में धारा 420 यानी धोखाधड़ी, 324 यानी हमला और 406 आपराधिक मामला बना गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, 25 अप्रैल 2016 को इम्फाल पूर्व के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कनरजीत को अन्य अपराधों के अलावा धोखाधड़ी के एक अन्य आरोप में भी फरार करार दिया था। हालांकि कनरजीत सिंह का सबसे बड़ा घोटाला अपनी बेटी लिसी प्रिया को नकली पुरस्कार और मान्यता देने के लिए अपने स्वयं के संगठन इंटरनेशनल यूथ कमेटी का उपयोग करना था, ताकि वह लोगों के बीच सकारात्मक छवि बना सके और अपने लिए समर्थन बढ़ा सके, जिसके बदले में उसे फंडिंग करने वालों को धोखा देने में मदद मिलेगी। कनरजीत ने अंतर्राष्ट्रीय युवा समिति नामक एक संगठन की स्थापना की और अध्यक्ष के रूप में वहां स्वयं बैठ गए। ये एक संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में एक गैर मौजूद पते पर दर्ज है, यानी एड्रेस पर ही घोटाला। उसके बाद उसने IYC यानी इंटरनेशनल यूथ कमेटी को एक बड़े संगठन के रूप में दिखाने और लिसी प्रिया को क्लाइमेट एक्टिविज्म के लिए कई पुरस्कार दिलाने का प्रपंच रचा। अप्रैल 2019 में लिसी प्रिया के पिता की अध्यक्षता में इंटरनेशनल यूथ कमेटी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया था कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर एक सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि एक जांच में पता चला कि उसे कार्यक्रम में बोलना तो दूर की बात, शामिल होने तक के लिए कोई आमंत्रण नहीं मिला था। जुलाई 2019 में लिसी प्रिया को खाप फाउंडेशन के संस्थापक मुन्ना कुमार द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यह अवार्ड भी फर्जी निकला। पुरस्कार प्रदान करने वाले संस्थापक मुन्ना कुमार लिसी प्रिया के पिता के संगठन इंटरनेशनल यूथ कमेटी में संयोजक थे। कनरजीत से छल और धोखाधड़ी का एक बड़ा उदाहरण सितंबर 2019 में सामने आया, जब लिसी प्रिया को ग्लोबल पीस इंडेक्स द्वारा वर्ल्ड चिल्ड्रन पीस प्राइज 2019 से सम्मानित किए जाने की खबरें आने लगी। हालांकि जब एक व्यक्ति ने द ग्लोबल पीस इंडेक्स से पुरस्कार की वास्तविकता के बारे में पूछा, तो इस संगठन ने ट्विटर पर स्पष्ट किया कि उन्होंने उसे कोई पुरस्कार नहीं दिया और न ही कोई पुरस्कार कार्यक्रम रखा गया था। उसी महीने लिसी प्रिया को इंडिया पीस प्राइज 2019 से भी सम्मानित किया गया था।
हालांकि यह पता चला कि उनके पिता के संगठन इंटरनेशनल यूथ कमेटी ने पुरस्कार प्रदान किया था। लेफ्ट लिबरल मीडिया इस पुरस्कार की पृष्ठभूमि और वास्तविकता की जांच करने में विफल रहा और एक बार फिर लिसिप्रिया और उनके पिता ने अपने प्रपंच से कई छोटे कार्यकर्ताओं से जुड़कर उन्हें अपने साथ कर लिया। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक जलवायु की सुरक्षा के लिए लड़ने का दावा करने वाले कई किशोर और छोटे बच्चों के उदय को देखा गया है। हालांकि इस तरह से भाड़े पर एक्टिविज्म, स्वार्थी समूहों और कनाजीत जैसे अनैतिक व्यक्तियों के लिए अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक उपकरण बन चुका है। इस तरह के अभियानों का चेहरा आमतौर पर छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया बिना जांच के उन्हें तवज्जो देने लगता है। हालांकि जैसे ही कथित जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और टूलकिट का मामला सामने आया, उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि कैसे इन मासूम बच्चों को अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह लिसिप्रिया के पिता ने ब्रांड लिसिप्रिया नामक सबसे बड़ा घोटाला किया है, जिसका इस्तेमाल लेफ्ट ब्रिगेड अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए विरोध में लिसिप्रिया के पिछले वर्ष महिला दिवस के दिन #SheInspireUs के सम्मान को लेने से मना कर दिया था। कनरजीत की गिरफ्तारी से उम्मीद है कि इस छोटे बच्चे को उसकी मासूम जिंदगी वापस पाने में मदद मिलेगी और इसे फ्रॉड करने वालों को एक संदेश भी जाएगा।